The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So how to be a health detective? What signs, kya symptoms, kya aise lakshan aap dekhenge? Agar dekhenge aapke khud ke ya kisi apne ke andar, to report karenge usko aap doctor ke paas, basically uske upar tafteesh ke liye ki wo ek serious problem hai, koi bimari hai ya nahi. So all the things are very very important. Understand each and every point aur samajh ke us points ko samajhiyega, fir apne andar dekhiyega. Agar doubt lage to har ek point likh ke fir apne डॉक्टर को जाके बात करिएगा. राइट, सो साइंस दैट यू आर अनहेल्दी, ऐसी चीजें अपने अंदर देखना. यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर बाय योरसेल्फ. ट्रीटमेंट खुद नहीं करना है, जज नहीं बनना है. फिर से बता रहा हूँ, जज नहीं बनना है, पुलिस वाला नहीं बनना है, डिटेक्टिव बनना है. डिटेक्टिव बन के सबूत इकट्ठा करके पुलिस वालों को देना है. सजा क्या देनी है, दवा क्या देनी है, वो हम डिसाइड करेंगे, गुनहगार कौन है. राइट, सो ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स लेट्स अंडरस्टैंड. राइट, तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो अनहेल्दी नहीं होना है बेसिकली. और अनहेल्दी ऐसा नहीं होता फट बटन दबाया और मैं अनहेल्दी हो गया. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. राइट, इट्स नॉट लाइक अ लाइट बल्ब, इट टेक्स टाइम. राइट, कुछ बीमारियों को एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता लगता है, कुछ बीमारियों को साल लगता है. और इस बीच एक स्टेज पे वो सिम्टम्स शुरू करते हैं. तो उन सिम्टम्स को पकड़ा जा सकता है. राइट, बिल्कुल बिल्कुल इजीली. जैसे अगर आप बहुत गलत खाना खाते हो, आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, बहुत ज़्यादा सोडा, बहुत ज़्यादा दारू, बहुत ज़्यादा सिगरेट, तो आपको पता है कि ये ऐसे साइन हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बीमार करके रहेंगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऐसे ही साइन एंड सिम्टम जो कि आप कर भी रहे हो. और ये तो रिस्क फैक्टर्स हो गए जो आप कर रहे हो, लेकिन साइन एंड सिम्टम आपकी नेल में कुछ दिख रहा है, आपकी आंख में कुछ दिख रहा है, आपके बालों में कुछ दिख रहा है, आपके पेट में कुछ हो रहा है, सम काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दिस. सो ऐसी चीज़ों को समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है. सो नंबर वन साइन आपको मिलेगा आपकी स्किन पे. जी हाँ, स्किन. अगर आपकी स्किन की क्वालिटी बैड क्वालिटी, गंदी क्वालिटी की स्किन, गंदी मतलब ऐसा नहीं कि मैली, मैली मीन्स द क्वालिटी ऑफ स्किन, इज अ श्योर शॉट साइन के आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है. अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है तो स्किन भी ग्लोइंग होगी, स्किन भी हेल्दी होगी. अगर स्किन में एक्ने ज़्यादा है, दैट कैन बी हार्मोनल, बट देन एक उम्र के बाद अगर फिर भी आते जा रहे हैं, दैट कैन बी इश्यूज विथ योर मेटाबॉलिज्म, हॉर्मोन्स. राइट, पुअर डाइट. स्किन में अगर रिंकल ज़्यादा है, ड्राई स्किन है, काली हो रही है, कहीं से रंग जा रहा है, बहुत कुछ है, कोई मार्क्स हैं, कोई ब्लेमिशेस हैं, ये सारी चीज़ें बताती है दैट समथिंग इज रॉन्ग. आइदर यू आर डेफिशिएंट इन समथिंग, और आपको कोई अंदरूनी बीमारी है, डिहाइड्रेशन है, कोई ना कुछ चीज़ है. स्किन पे ध्यान दीजिए. स्किन में प्रॉब्लम है तो भी हेल्थ चेकअप या स्किन के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना. देन देयर इज स्लीप. यस, स्लीप इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर आपको सही 7 से 9 घंटे की स्लीप नहीं आती है, अगर आप नहीं लेते हो, अगर आपको सोने में डिफ़िकल्टी होती है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही सो जाते हो, अगर आपका मन करता रहता रात को उठ उठ के खाना खाना, अगर आप कुछ ज़्यादा ही कैफीन ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, शायद रात को भी पी रहे हो और स्लीपलेस रहते हो, दारू भी ज़्यादा पीने से स्लीपलेस हो जाते हो, ऑल्दो नींद ज़्यादा आती है लेकिन नींद की जो गहराई है, जो स्लीप, डीप स्लीप में जाना चाहिए, वो आप नहीं जा पाते दारू के बाद, इसलिए भी आप वीक फील करते हो, अगले दिन हैंगओवर सा रहता है. सो स्लीप अगर रहेगा, स्लीप प्रॉब्लम रहेगी, तो अंडरलाइंग डिजीज हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स में हो सकती है, स्लीपलेसनेस, काफी सारी बीमारियों में और भी हो सकती है. स्लीप पे ध्यान रखिए. देन बाथरूम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट, आपकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन है, टॉयलेट और स्टूल्स, लैटरिन, बाथरूम, इसके ऊपर बहुत जोरदार कड़ी नजर रखनी होती है. राइट, अगर आपको मान लो येलो कलर की जगह व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट की जगह डार्क कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है यू स्टूल का, या फिर रेड कलर आ रहा है, कई बार ब्लड आता है, सो ये सारी चीज़ें एक सिम्टम साइन है कि जाके डॉक्टर को बताओ, दिस इज़ नॉट गुड. अगर मान लो झाग आ रहा है, उसमें फ्रॉथी फ्रॉथी म्यूकस आ रहा है, कोई कीड़ा आ रहा है लैटरिन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बर्निंग हो रही है यूरिन के दौरान, बर्निंग हो रही है, टप टप करके कोई पत्थर गिर गया, यूरिन से पत्थरी भी होती है. जी हाँ, ऐसा भी होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अंदर कुछ सही नहीं हो रहा है यार, जब बाहर आ रहे हैं तो अंदर कितना होगा. सो गो एंड गेट चेक्ड. राइट, गो एंड गेट चेक्ड बाय अ यूरोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन. फिर आपके चेहरे पे भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं. अगर आपको
आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, मुंह बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, आप लिप बाम लगाते जाते हैं, घपा घप पूरा दिन लिप बाम पे लिप बाम, देन दैट मीन्स कि आपके अंदर वाइटामिन लेवल्स में प्रॉब्लम है। आपकी टंग बहुत ड्राई है, टंग मॉइस्ट नहीं है, टंग क्रैक्ट है, टंग में ऐसे ऐसे पहाड़ियों जैसे दाने हैं, छाले हैं। सो टंग इज अ बिग थिंग। ठीक है, डॉक्टर कहता है ना, जवान दिखाओ, जवान दिखाओ, आँख देखो, जवान दिखाओ, ना हाथ दिखाओ, पल्स दिखाओ, छाती ठक ठक, सो ऑल द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो जबान, जबान दिखाना इज गुड, जबान से काफ़ी चीज़ समझ में आती है। मोस्टली वाइटामिन डेफिशिएंसी, खून की कमी, एनीमिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कैन बी सीन अ लिटिल बिट। फिर बहुत जरूरी है, हाथों में क्या देखते हैं? हाथों में अंगूठी देखते हैं, अंगूठी के अंदर का नख देखते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखते, ना ही आपकी घड़ी देखते हैं, ना ही कुछ देखते हैं, आपके देखते हैं फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स देखते हैं, टो नेल्स दिखते नहीं है, ज्यादातर लोग पहन के रखते हैं कुछ ना कुछ, तो टोनेल्स भी देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। फिंगर नेल्स में देखा जाता है, फिंगर नेल्स में काफी कोई रिजेस हैं क्या, कोई डिसकलरेशन है क्या, कोई बम्प्स है क्या, कोई नेल्स के अंदर ओवरऑल हेल्थ थोड़ी बहुत इंडिकेट होती है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, ओनेक्यो माइकोसिस विच इज द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, वो तो नहीं है। सो ऐसी चीजों को इंडिकेट किया जाता है नेल्स में। फिर टेम्परेचर लिया जाता है, जी हाँ, टेम्परेचर, बॉडी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पैर बहुत, और कोई लोकलाइज टेम्परेचर वेरिएशन है, पैर ठंडे हैं, हाथ गर्म है, हाथ नॉर्मल है, तो ये अलग चीज़ है, गलत बात है, ये सही नहीं है। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट कैन बी कि वहाँ क्लॉट आ रहा है, कोई ब्लॉकेज हो रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, दोनों ठंडे पड़ रहे हैं, तो भी अच्छी बात नहीं है। सो यू हैव टू, फीवर तो फीवर है, फीवर अलग चीज़ है, उसमें तो एक साइन, क्लियर कट साइन है, डॉक्टर के पास जाओगे ही, राइट। सो दीज आर टेम्परेचर थिंग्स। देन माइंड 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 प्रॉब्लम है, माइंड, अगर मान लो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, या अगर आपके लग रहा है कि यार मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, आई कैन नॉट सॉल्व थिंग्स एज मच एज क्विकली एज आई यूज टू, राइट, एक क्लॉगी फॉगी माइंड है, क्लाउडी माइंड है, आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, सो आपका ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, डिहाइड्रेशन ऑल्सो, बट सीरियस बीमारियाँ भी हो सकती है, ब्रेन के अंदर कोई एक्चुअल इशू, इन्फेक्शन, ट्यूमर, समथिंग लाइक सीरियस नो एनोरिज्म, सम मेनी थिंग्स कैन हैपन, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, डोंट टेक इट लाइटली, ऑलराइट। सो छोटी छोटी सिम्टम्स को लिख के रखो, चाहे वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास मत जाओ, बट देन लिख के रखो, बी अ डिटेक्टिव, राइट, राइट इन योर नोट्स, इन योर मोबाइल, इन योर डायरी, इन समथिंग लाइक दैट, कुछ तो पता रहे कि हाँ मुझे ये हुआ, आज शुरू हुआ, यार ये तो बढ़ गया, यार ये तो बढ़ गया, आई थिंक आई शुड गो टू डॉक्टर, अच्छा चल कल जाऊंगा, ओ बढ़ गया, चलो चलो चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सो समथिंग लाइक दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो इफ यू विल नॉट राइट इट डाउन, यू विल जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर करना सही नहीं है, आपके लिए भी, आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, याद रखिए फैमिली 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 इंपॉर्टेंट। सो यो अगर मान लो इसके अलावा स्किन में इची है, इचिंग है, इचिंग कंसिस्टेंटली इचिंग है, तो क्या हो सकता है, बिलिरुबिन बड़ा हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है खाने पीने का, ब्लड कोई दवाई का रिएक्शन हो सकता है, तो इचिंग इज ऑलवेज काइंड ऑफ स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा, अर्टिकेरिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, अगेन साइन, लिवर डैमेज का भी साइन हो सकता है, बिलिरुबिन बढ़ रहा, राइट, दैट कैन बी अ इशू। सो इचिंग इज ऑल्सो अ साइन, स्किन इचिंग, राइट, एनीवेयर इचिंग, सो इचिंग। इफ यू आर श्रिंकिंग, अगर आप को लग रहा है आपकी हाइट छोटी हो रही है, या कुछ और छोटा हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, यू नो, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सो दैट कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम, राइट। एक तो उम्र के साथ इंसान की हाइट छोटी होती है, योर रीढ़ की हड्डी बिकम्स अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ योर पोस्चर आल्सो, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, बट देन अगर आपकी हाइट छोटी हो रही है, आपको लगता है, तो दैट कैन बी एक्चुअली वीक बोन्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, सो ऑल दीज थिंग्स कैन, यस, उम्र के साथ आपके फ्रैक्चर के, आपके यू नो बोन लॉस डेंसिटी, घुटनों में दर्द, बोन पेन, मैलेज, इनके कारण बन सकते हैं। सो रिमेंबर टू चेक ऑन योर हाइट, हाइट भी रेगुलर चेक होनी चाहिए, साल में एक बार हाइट, भाई मेरी तो गिरती थी यार, एक ही आधा इंच कम हो गई, जी हाँ कम हो जाती है हाइट, जी हाँ कम होती है हाइट, के ऊपर भी वीडियो है मेरा पोस्चर वाला, गो एंड वॉच दैट इफ यू वॉन्ट, राइट। Then there is hair का color, premature graying of hairs, very very important sign. अगर premature graying of hairs है, that can be a sign of too much stress, that can be a sign of deficiency of vitamins, dehydration, it can be a sign of going way out into, बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा issue हो रही है, जी हाँ धूप में भी बाग पक जाते हैं, health condition से भी होते हैं, बुढ़ापे में भी होते हैं, so you have to understand, and thyroid problems में भी होते हैं, so go and check them things, right? पैरों को देखना है, पैर में क्या होता है, पैर में क्या होता है, पैर में सूजन हो सकती है, पैरों में सूजन, एडिमा हो सकती है, वो मेजर हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन की कमी, ऐसी चीज़ों के साथ, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एडिमा इज नॉट गुड, राइट। पैरों में सूजन आना, कहीं एक पैर में, घुटने में दर्द होना, यहाँ दर्द होना, दैट कैन बी अ साइन ऑफ, और कैल्शियम डेफिशिएंसी, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड प्रॉब्लम, सो बी अ डिटेक्टिव, ऐसी चीज़ों को लिख के रखो, फिर डॉक्टर के पास जाके जब भी जाओगे दिखा देना, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट।
देन कोई भलती जगह पे, नई जगह पे रिंकल रिंकल आने, रिंकल 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 आ रहे हैं, ऐसी जगह पे तो आनी नहीं चाहिए यार। यहाँ कहाँ रिंकल आ रहे हैं भाई, ये कौन सी जगह रिंकल यार, रिंकल जल्दी आ रहे हैं इस उम्र से पहले, रिंकल आ रहे हैं, अगेन द स्किन प्रॉब्लम राइट। तो रिंकल आ रहे हैं इज अगेन अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ, और वो भी आपको इवन हाई ब्लड प्रेशर से भी रिंकल आते हैं। कैन यू इमेजिन, बैड ब्रेथ, मुंह से गंदी बदबू आना, बार बार ब्रश कर रहे हैं, पुअर ओवरऑल ओरल हाइजीन है, नहीं करते ब्रश फिर भी बदबू आ रही है, और ब्रश करते हो फिर भी बदबू आ रही है, दैट कैन बी जिंजिवाइटिस, वाइटामिन सी डेफिशिएंसीज, गम डिजीज, बी डेफिशिएंसीज, कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उससे, इन्फेक्शन पेट में जा सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। अगेन आइज को भी देखना है, आइज में येलोनेस होती है, अगर व्हाइट वाले पार्ट में येलो येलो दिख रहा है तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, रेड रेड दिख रहा है दैट कैन बी अ प्रॉब्लम राइट। सो आइज, आइज में येलो है मतलब जॉन्डिस, यानी लिवर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेडनेस दिख रहा है दैट कैन बी जस्ट इंजरी और हाई ब्लड प्रेशर, मेनी थिंग्स राइट। गर्दन में, गर्दन में स्वेलिंग आ रही है, यहाँ लोग यहाँ स्वेलिंग आ रही है गर्दन के नीचे राइट, यहाँ दैट कैन बी थायराइड प्रॉब्लम, दैट कैन बी वेरी वेल थायराइड इशू। नेक में काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे बैक में पेन है, नीचे दुखाने से चक्कर आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस हो सकता है। सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स आर सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईज के नीचे पफी आईलिड्स है, पफी आईलिड्स को भी देखना चाहिए, यहाँ तक के बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, हेयर लॉस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड साइन कि हाँ बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, बॉडी के अंदर रफ स्पॉट्स हैं, कोई एक एरिया रफ आ रहा है, दैट कैन बी अ साइन। और क्या हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, टैनिंग हो रही है बिना सन के राइट, और धूप में नहीं जा रहे फिर भी कोई एरिया काला होता जा रहा है, दैट कैन बी अ साइन राइट। और मैंने कहा एवं ही मोटे होते जा रहे हो, लव हैंडल्स आ रहे हैं, पाम्स लाल लाल होते जा रहे हैं, लाल लाल दाने आ रहे हैं कहीं भी बॉडी के अंदर, पेटिचल हीमोरेजेस, दैट कैन बी अ बिग बिग साइन। फिर अपना मान लीजिए फीट फीट है, फीट में मान लीजिए अपना हील में पेन होना शुरू हो गया, इट माइट बी अ साइन कि आपका हील पैड कम हो रहा है। तो इट दो सो मेनी साइंस आर देयर जिसको आपको लिखना, इट डजेंट मैटर, ये तो मैंने फिर भी एक मोस्ट कॉमन बताया, इसके अलावा भी अगर आपको कोई साइन लगता है राइट इट डाउन एंड देन डिस्कस विथ योर डॉक्टर जब भी आपका हेल्थ चेकअप होता है, एंड ऑलवेज डू अ रेगुलर हेल्थ चेकअप, साल में या 2 साल में एक बार कराना ही चाहिए, एक एक फैमिली डॉक्टर बना के रखो राइट। इट इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी, चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, डजेंट मैटर, ही नीड्स अ हेल्थ चेकअप राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ हेल्थ डिटेक्टिव, डोंट बी अ डॉक्टर बाय योर सेल्फ, केमिस्ट को डॉक्टर मत बनाओ, केमिस्ट से जाके दवाइयाँ मत लो, यू डोंट नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज मेडिसिन आपके और आपके बच्चों पे, खासकर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक ले लेके बेड़ा गर्क हो गया है दुनिया का, कृपया अपने बच्चों के ऊपर इतनी जुल्म मत करना। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर वेबसाइट्स पे किसी पे ढूंढनी है तो कोई भी .com वाली वेबसाइट पे मत देखना, .org वाली पे देखना, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके देखो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और पबमेड पे अगर रिसर्च करते हो, मेटा एनालिसिस पे रिसर्च करना, एक एक रिसर्च आर्टिकल को लेके यो रिसर्च में ये लिखा है, दैट डज नॉट मीन इट इज ट्रू। मेटा एनालिसिस मीन्स अगर एक रिसर्च पॉजिटिव है 10 नेगेटिव हो सकती है, 10 पॉजिटिव है तो एक और 15 नेगेटिव हो सकती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंबाइंड व्यू ऑफ द रिसर्च। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, रिमेंबर टू फाइंड आउट रिलायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, उसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, हाउ टू फाइंड रिलायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब, टाइप करके देख लो ना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, इस टॉपिक को लाइक जरूर करना है, और अपने सवाल लिखिए। थैंक यू।